पर्सोना मिसेज इंडिया उन सारी औरतों के लिए है जो इनके एज क्राइटेरिया हमने कुछ नहीं रखा है. 20 इयर्स से 60 इयर्स तक की औरतें हम लोग के साथ है. बेसिकली हमारा मोटिव एक ही है कि हम उनको मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने एक विजिबिलिटी दे, एक पहचान दे. बहुत सारी औरतें हाउसवाइफ है, कोई कॉर्पोरेट फील्ड में से है, कोई फैशन डिज़ाइनर है, कोई डॉक्टर है, और सबको एक इच्छा है कि वो आगे कुछ और करे. तो हमने वो प्लेटफॉर्म, वो ज़रिया उनके लिए रखा है ताकि वो अपने रूटीन लाइफ से हटकर कुछ और करे अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पे थोड़ा ग्लैमर फैक्टर हो, थोड़ा फन फैक्टर हो, जो वो आगे अपने लाइफ में करना चाहती है. पर्टिकुलरली बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, स्पॉन्सर्स हैं, और भी कई लोग सपोर्ट कर रहे होंगे आपको, उनके बारे में कितना थैंकफुल है उनके लिए? आई एम वेरी थैंकफुल ओहो जयपुर, मिस्टर गोविंद जी, जिन्होंने हमारे लिए डे वन से लेके अभी तक बहुत सपोर्ट किया है. प्रेम गाड़ा जी, जिन्होंने इतने खूबसूरत क्राउन बनाए हैं हमारे विनर्स और हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए. ये लोग हमारे साथ वो टाइम से जुड़े हैं जब से हमने ये सीज़न चालू किया था. आज हमारा ये सीज़न 4 हो गया है. हम सब एक फैमिली मेम्बर की तरह हो गए हैं, और सबको पता है कि सीज़न 4 के बाद सीज़न 5, सीज़न 6 होने वाला है. और ये मुझे पता है कि ये डे वन से जुड़े हैं, और आगे तक जब तक हमारा सीज़न जाएगा वो हमारे साथ रहेंगे. मैं आपसे चाहूँगा, कितना ज़रूरी है, यू नो, आज के दौर में भी कई ऐसे घर हैं, कई ऐसी जगह जहाँ की लेडीज़ को निकलने के लिए मनाही होती है, उनको लाइफ को एंजॉय करने या ना किसी चीज़ पार्टिसिपेट करने से, उनको कितना ज़रूरी है इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज होना? नहीं, बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले तो पर्सोना हमारा जो शो है उसका, और उसके लिए आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जितने मेरे भाई लोग उनको सबको धन्यवाद बोलना चाहेंगे. मेरे स्पॉन्सर ओह जयपुर और प्रेम गाड़ा जी को धन्यवाद देना चाहेंगे. और जिस हिसाब से हमारे इसमें सभी चीज़ में, समाज में और सोच में, पढ़ाई में बदलाव आ रहा है, इसी हिसाब से हम चाहते हैं कि महिलाओं में भी बदलाव आना चाहिए, महिलाओं की सोच में, उनके परिवार के लिए. हमारी लेडीज़ जो होती है, सिर्फ एक लेडीज़ नहीं कि खाना बनाए, 8 घंटा काम करे, इतना नहीं. लेडीज़ें एक माँ, बेटी, बहन, सबका रोल अदा करती है. तो क्यों ना इस लाइफ में भी बच्चियाँ आए और अपनी लाइफ को जिए और अपना नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे. और करना चाहिए. हम चाहते हैं कि जितने भी फैमिली मेरे तरफ से देख रही होगी मुझे और सुन रही होगी, तो सबसे गुजारिश करेंगे कि सभी घर की बेटियां जो बहुएं हैं वो आए इस प्लेटफॉर्म पे, अपने अपना दिखाएं कि वो कितनी गुनी हैं. और महिलाएं हर बार गुनी होती हैं, तो महिलाएं आए और इस प्लेटफॉर्म को, पर्सोना को हमारा 4 चांद लगाए. और हम लोग हर बार उनके लिए खोज में पूरी दुनिया में घूमते हैं, ऑल इंडिया में घूमते हैं. ऑल इंडिया से आज हमारे पास में जो कंटेस्टेंट आए हैं आप देखेंगे, तो हम चाहते हैं कि आगे बढ़े और लेडीज़ों का परिवार भी साथ दे. सर, आपसे चाहूँगा कि आज की बात करें तो आज पर्टिकुलरली है क्या, और आगे चल के जो भी विनर होंगे उनको किस तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाले हैं? कोई ऐसा मीडियम है जिसपे वो काम करेंगे, फिल्म हो, टेलीविजन हो या फिर और मीडियम? सो आज बेसिकली क्या है, जितने हमारे फाइनलिस्ट हैं जो हम लोगों ने ऑल अक्रॉस इंडिया से सिलेक्ट किए हैं, ऑडिशन ले लिए, तो आज उनका यहाँ पे कॉकटेल इवनिंग, गाला इवनिंग है, जिसमें वो हमारे फैकल्टीज से गेट टुगेदर कर रहे हैं, जिसमें उन्हें सैश डिस्ट्रीब्यूट किया गया है दैट यू आर सिलेक्टेड एन ऑफिशियली फाइनलिस्ट ऑफ पर्सोना मिसेज इंडिया सीजन 4. आगे ऐसा है कि उल्लू हमारा OTT प्लेटफॉर्म है, ये जो भी हम शो करने वाले हैं, बहुत सारे शोज़ होते हैं हमने, लेकिन फेमिना मिस इंडिया, इसके अलावा ग्लैडरिक्स मिसेज इंडिया हम देखा करते थे TV पे, तो पहली बार अगेन बहुत सालों की गैप के बाद मिसेज इंडिया ऐसा दूसरा है जो किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आ रहा है. हम हर साल अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, हम हर साल चाहते हैं कि हम एज अ प्रोडक्शन हाउस जितना कुछ दे पाए उन औरतों को जिनकी शादी के पहले भी कुछ इच्छाएँ थी और शादी के बाद भी कुछ इच्छाएँ हैं. सो वी जस्ट ट्राई टू डू दैट. क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, इट्स ऑल डिपेंड. बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, पराग मेहता इज़ इन्वॉल्व, सॉरी रुपेश इज़ इन्वॉल्व, तो बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर और भी है बॉलीवुड से या टेलीविजन इंडस्ट्री से जो इन्वॉल्व है. इट्स ऑल डिपेंड ऑन लक, बट ये कन्फर्म है कि उन्हें ऑडिशन तक पहुँचाने का जिम्मा हमारा होगा, ये कन्फर्म है. कुछ जैसे ओहो जयपुर है, तो हमारे जो विनर्स होंगे या कुछ और फेसेस होंगे
जिनके साथ वो शूट करेंगे, उन लोग के वो ब्रांड एम्बेसडर्स बनेंगे. तो ऐसे बहुत सारे हमारे और भी लोग हैं, विंटेज ग्रुप है, देन देयर इज प्रेशा क्रिएशंस जिनके क्राउन्स पहन के वो अगेन शूट करेंगे. तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए जो वो करने वाले. और मैम आगे का विजन क्या था, आगे किस तरह से आप इस तरह के मतलब जो भी आप कर रही हैं इवेंट्स या वंडर्स कैसे बढ़ाने वाली हैं इस चीज़ को आगे, मतलब जैसे हमारे जो विनर्स होंगे, हमारे 30 कंटेस्टेंट्स हैं, उन 30 कंटेस्टेंट्स से हम 6 विनर्स निकालते हैं और ये 6 विनर्स अलग अलग इंटरनेशनल पैजेंट में जाते हैं जो ना कि हमारे ब्रांड को बल्कि हमारे कंट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमारे विनर्स रनर अप नहीं होते हैं, हमारे विनर्स सब एक टाइटल के साथ जीतते हैं, जैसे कि यूनिवर्स हो गया, वुमेन ऑफ यूनिवर्स हो गया और यूनाइटेड नेशन हो गया. तो ये बाकी 80 कंट्री के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि हमारी कंट्री को लेके जाके वो बाकी 80 कंट्रीज़ के सामने रिप्रेजेंट करती है, उनके सामने कम्पीट करती है. और हम तो ये चाहेंगे कि हम उनको इस तरह से ग्रूम करें कि वो वहाँ से जीत के आए. आपने फेमिना, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स देखा होगा, बट हम चाहते हैं कि पर्सोना के थ्रू हम मिसेज यूनिवर्स, मिसेज वर्ल्ड ले आए. आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं पर्सोना को? सबसे तो बोलना चाहती हूँ जो मैं दिल से दुआ करती हूँ करण दादा और प्रियंका दीदी को, जो ये जो प्रोग्राम है ना, ये एक्चुअली कोई फैशन क्वीन बा फैशन क्या बोलते हो आप लोग, मैं फैशन शो मैं इसीलिए नहीं आई, मैं इसीलिए इन लोगों के साथ जुड़ी हूँ. यहाँ पे लड़की लोग आए हैं, लड़की लोग जो मैरिड है, माँ जात के एक शो अरेंज किया है जो आजकल माँ क्या लड़की लोग को कोई इज्जत ही नहीं करते. मैं इसीलिए इनके साथ जुड़े हूँ, लड़की दुनिया में कमज़ोर नहीं है. देखो आप लोग देख सकोगे बहुत न्यू टीवी में, बहुत यूट्यूब टिकटॉक बहुत सारे शो में आते हैं, लेडीज़ लोग छोटे छोटे बच्चे को भी गलत होता है. लड़की को इज्जत करना सीखो, लड़की दुनिया में ऐसा चीज़ है जो भगवान का सबसे प्यारा चीज़ है. लड़की लोग, लड़की कभी कमज़ोर नहीं होते. मैं क्या बोलूँ अभी, मुझे तो अभी आंसू आने लगे. मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, थैंक यू पर्सोना, इतना अच्छा एक कदम उठाया आप लोग. आपका ये शो देख के बहुत हज़ारों माँ, हज़ारों बहन, हज़ारों दीदी जो घर में दर्द सह रहा है वो खुद को पहचानेगा, खुद को इज्जत करेगा. थैंक यू. सो मेरा नाम श्रवण है, यूजुअली मैं रेडियो पे सब कुछ सुनाई देता हूँ, लेकिन हाँ आज करण भाई के साथ ये इवेंट करने का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि जैसे पूजा दीदी हमारे साथ हैं, इनकी वाइब भी अलग है, तो इस इवेंट की ही पूरी वाइब अलग है. तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कर रहे हैं इसको हम और आगे बढ़ाएं, हम सब साथ में यहाँ पे रहेंगे. और सिंस मीडिया आप हमारे हमेशा दोस्त रहे हैं, आप हमेशा आपका हमारे साथ है, तो इस इवेंट को भी मैं होस्ट करने वाला हूँ, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत ही पावर पैक इवेंट होने वाला है, इतने बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं आज हमारे साथ भी, जब भी आप देखोगे यहाँ पे तो बहुत ब्राइट कंटेस्टेंट्स हैं, उनके साथ बहुत कुछ अलग करने वाले हैं और एक अलग दुनिया देखने वाले हम थोड़ी दिनों में, और दैट इज़ ऑन 18 बेसिकली. ओके, हाई गाइज, दिस इज प्रेम गढ़ा, फाउंडर ऑफ प्रीचा क्रिएशंस. हम क्राउन्स बनाते हैं ब्यूटी पेजेंट्स के लिए, जो सबसे जान होती है ब्यूटी पेजेंट्स में, जो आफ्टर विनिंग द कंटेस्टेंट्स आर गोइंग टू वेयर, दैट इज़ द क्राउन थिंग्स. और इस साल हम काफ़ी साल से पर्सोना के साथ ही है, और इस साल हमने कुछ अलग ही डिज़ाइंस उनके लिए बनाई हुई है, तो वो फिनालेज में आपको दिखाई जाएगी, दैट इज़ फॉर क्राउन्स. एंड थैंक यू करण एंड प्रियंका फॉर एसोसिएटिंग विद अस, थैंक यू. अबाउट दिस इवेंट बेसिकली, तो यूजुअली क्या होता है, हाउस वाइफ्स को कहते हैं कि यार नहीं, अभी घर पे ही काम करते हैं, घर पे काम करके ये कुछ नहीं होता. आपको पता है पूजा दीदी, आपने देखा है बहुत लोगों कि वो घर पे बैठ के उनको लगता है कि लाइफ अब खत्म है. नहीं, मैं वही बोलना चाहता हूं, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट जहाँ पे जेन्युइनली लोगों को और बहुत सारी अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट उनको बूस्ट मिल रहा है लाइफ में, और ये लाइफ का बूस्ट हमें आई गेस सबको चाहिए, सभी को चाहिए होता है. तो आई गेस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इवेंट जहाँ पे हम सबको और
बूस्ट देंगे और सबको एक सक्सेस का रास्ता भी दिखाने वाले हैं। वही दादा, एक सेकंड, मैं वही बोलना चाहता हूँ कि आप अच्छे से बोल सको, आप लोग देखोगे यहाँ पे कौन कौन लड़की आई है, आप जब सामने से देखोगे ना आप लोग को पता चल जाएगा यहाँ पे कौन कौन सिचुएशन सामना करके लड़की लोग आई है। और इसमें सब करण भाई की मेहनत है, प्रियंका उनकी भी मेहनत है और पूजा दीदी आपकी भी मेहनत है यहाँ पे, तो लेट्स मेक इट अ सक्सेसफुल इवेंट आई गेस। हाय नमस्ते, मैं राधा गोविंद, फाउंडर ओहो जयपुर। मैं करण सर और प्रियंका से मिला और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव, कुछ अलग है। मैं एज ए फैशन डिज़ाइनर मैंने काफ़ी सारे फैशन शोज़ किए हैं, बट जो यहाँ एक फैमिली जैसा माहौल मिलता है वो कहीं किसी भी ऑर्गेनाइज़र के साथ नहीं मिला। और कंटेस्टेंट भी यहाँ वैसा ही फील करते हैं कि यहाँ कोई एक प्रोडक्शन हाउस नहीं है या कोई एक ऑर्गेनाइजर्स नहीं है, यहाँ सारा फैमिली जैसा ही है, कुछ होता है। और हम लोग पर्सनली इस इवेंट से जुड़ते हैं और अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं कि ऐसा कुछ करने को मिलता है। तो थैंक्स टू करण आंटी, परसोना एंड प्रियंका एंड कंटेस्टेंट और हमारे जूरी मेम्बर, सब लोग अच्छे से जुड़े हुए हैं, बहुत फन, बहुत अच्छा, कुछ अलग डिफरेंट देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। सो आई गेस लेट्स रॉक पर्सोना 2021। थैंक यू। मेहता फ्रॉम ब्लैंक कैनवस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। हम इस कॉन्टेस्ट से जुड़ने वाले हैं, जुड़ चुके हैं बेसिकली मिसेस इंडिया, पर्सोना मिसेस इंडिया। इट्स वेरी एक्साइटिंग, जो वुमेन आज अपने घर के लिए, सब समाज के लिए खड़ी हो, उस औरतों को अगर सिखा के आगे लाया जाए फॉर witnessing the national pageantry, it's a big thing. So मुझे लगता है कि it's a big honor for me to groom them, show direct them completely, और इनको एक platform दिया गया है जिसको वो बखूबी निभाए, वो आगे बढ़े and represent India on international levels. मेरा इसमें इतना ही काम रहेगा कि मैं उनको motivate करूँ, उनमें confidence build up करूँ और उनके साथ साथ उनको उस level पर लाऊँ जिस level पर आज की India हमारी Indian woman को देखना चाहती है। Hi, my name is Vaibhav Maurya. I'm representing Blank Canvas Talents, and we will make sure that these participants of Miss Persona look very beautiful that day, and they perform whatever they are comfortable. Hi, my name is Reena Mehta. I am also representing Blank Canvas. So we are here to groom all the Misses Indias. Today, as we know, women empowerment, and I'm very happy that we'll get an opportunity to groom these ladies, and I'm sure they will rock on the stage. Thank you. And I am choreographing one act in this show. So I will be choreographing like a ramp show, like a walking plus little bit of dancing and few steps. So yeah, like that. So what I'll give very basic steps according to them. It's not about how I dance, how I can, but how they can dance, I'll give according to them. Yeah. That's it. उनको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, और ये बहुत अच्छा शो होने वाला है और बहुत ही ग्रैंड शो होने वाला है, तो जो भी पार्टिसिपेट किया है उनको ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक उनके लिए। ओके, स्टार्ट हो गया रोल। गुड इवनिंग टू ऑल, मायसेल्फ पारस राठौर, मिस्टर इंडिया मुस्टैच 2019 एंड मिस्टर बियर्डो 2018। मैं करण सर से हाल ही 6 महीने हुए रहेंगे, अभी जस्ट एसोसिएट हुआ हूँ सर से मैं, तो बहुत ही मिलनसार है एक्चुअली। और पर्सोना जो प्रोग्राम है ये वाकई काबिल तारीफ़ है, क्योंकि जो हाउस वाइफ है उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, या फिर हाउस वाइफ खुद होकर कहीं बाहर इस प्लेटफॉर्म ढूंढने जाती नहीं है, तो इसी तरह से उन्होंने करण सर ने जो एसोसिएशन ने जो ये प्रोग्राम रखा है पर्सोना, तो वाकई बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और उनको मैं तहदिल से कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई उन प्रोग्राम के लिए। इसी तरह ये 4th, 5th, 6th आगे से आगे बढ़ते रहे, और उनका दर बदर उनका जो इवेंट है वो उससे भी ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा होता रहे। मेरी तहदिल से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ है। थैंक यू। My name is Supriya. I got into association with this through my friend. I am very excited. I am nervous too, but I am prepping myself. I'm gonna enjoy these days. Thank you. Hello everyone. I am Mrs. Preeti Milin More from Mumbai, and I'm super excited, and I'm associated with my friend Gehna. Thank you so much for giving this opportunity.
Yeah, I'm Sunita Lamba from Ahmedabad. I got this opportunity through my Bhabhi Nilima Sood and Priyanka and what is his name? Karan. They have given us a very comfortable stay as well as a platform. Looking forward to take a good name of India somewhere else. Thank you very much. Yes, hi everyone. My name is Shubhi Agarwal and I am from Delhi. I came to know about this through one of my friends and I find myself very lucky. It's a life enriching experience. So I got to travel, meet new people. Really excited to be here. Thank you. Thank you. Hi everybody. My name is Pallavi Sambore and I'm from Mumbai. I'm being contesting now Persona Mrs. India. This is my first event. By education, I'm a computer engineer and I'm working in the aviation industry. That's about me and I'm super excited for this event. Thank you so much. Hello, my name is Snehal, Snehal Purani. I'm a commercial artist too. And मैं पर्सना मिसेस इंडिया में सिर्फ एंजॉय करने के लिए आई हूँ एंड आई एम एंजॉयिंग थैंक यू सो मच हाय माय सेल्फ रूबी जैन आई एम फ्रॉम जबलपुर एंड आई रियली वांट टू थैंक पर्सोना मिसेस इंडिया फॉर गिविंग अस सच अ बिग प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन शोकेस आवर टैलेंट थैंक यू सो मच हाय आई एम विनी शेट्टी यू कैन कॉल मी अ मॉडर्न तांत्रिक दैट इज़ माई प्रोफेशन आई डोंट डू ऑन पीपल बट लोगों का किया हुआ निकालती हूँ आई एम अ टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर That's my profession and a restaurateur by chance. I have a restaurant in Kandivali West where I generally am available. Come here to enjoy and have some fun. Thank you. Thank you. I'm from Madhya Pradesh and persona mein aane ka mera ek jo purpose hai, main apne aap ko jeena chahti हूँ. Hello, मेरा नाम शिवम सीमार है. मैं रायपुर से बिलोंग करती हूँ. रायपुर से परसोना का ऑडिशन देके यहाँ तक आई हूँ. मुंबई में सेकंड टाइम आई हूँ. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. परसोना के जो जजेस हैं, ज्यूरीज जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया. बहुत अच्छा हम लोगों का साथ दिया यहाँ तक आने के लिए. और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को. थैंक यू सो मच. मैं रिंकू त्रिपाठी. सारे कंस्टेंट बहुत अच्छे हैं और परसोना की वजह से हम लोग इधर आए हैं. बहुत ही अच्छा लग रहा है. सेकेंड टाइम आई हूँ मुंबई. दैट्स इट. मेरा नाम रीता शुक्ला है. मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ. मैं बस्तर से आई हूँ वैसे. और यहाँ पर मैं अपनी मतलब सुप्रा शर्मा के थ्रू आई हूँ. वाइट कार्ड एंट्री में आई हूँ और मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है. परसोना को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोग मुझे बेस्ट ऑफ लक कहिए. I am through Priyanka Banerjee and I am very much excited to start this because for me this is my first step and I am very much excited. That's it. मैं शीतल शाहू नागपुर से हूँ. मैं एक एनजीओ के थ्रू आई हूँ. एनजीओ में मीडिया हेड हूँ. उसके थ्रू मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं इसमें इस स्टेप में आकर के आगे बढ़ना चाहती हूँ. अपने एनजीओ को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ जो समाज का कार्य करते हैं, सोशल वर्क करते हैं. दैट्स इट. हेलो, आई मायसेल्फ इज रेणुका रोशन नास्त्री फ्रॉम नागपुर एंड आई केम थ्रू टू फाउंडेशन इन कोऑर्डिनेशन विद नारायणी शक्ति फाउंडेशन एंड उन्यानी फाउंडेशन एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज हु एसोसिएटेड विद इट एंड ब्रॉट टू अस हियर. And it's really an exciting platform. We all ladies are really enjoying and really excited to see further. Thank you and have a good day for each and everyone. Everyone. Hello, I'm Neha Jain from Raipur, Chhattisgarh. I'm a makeup artist and a beautician since last 11 years. Persona Mrs. India is really a big platform and we have to take it a very, very, very bigger platform. They are giving us best hospitality here and we are super excited for finale. Thank you. Thanks a lot. I'm Sangeeta Ghatke. हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आए हैं. 16 अक्टूबर को हम लोगों का ऑडिशन हुआ था रायपुर में. बबीता मैडम के द्वारा हम यहाँ पे सेलेक्ट होके आए हैं. गुड इवनिंग एवरीवन. मेरा नाम रूपम शर्मा है और मैं दो बच्चों की माँ हूँ एंड सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ. आई एम ऑल्सो वर्किंग. परसोना के बारे में मुझे सोशल मीडिया के थ्रू मालूम पड़ा और अभी तक ये सब हम सिर्फ उसी पर देखा करते थे बट आज ये फील करके अच्छा लग रहा है. हेलो एवरीवन, दिस इज शुभ्रा शर्मा. आई एम 37 इयर्स ओल्ड एंड आई एम हैविंग अ सन ऑफ 16 इयर्स.
और मैं होम मेकर हूँ, घर से ही काम करती हूँ। और परसोना का जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है वो मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड के थ्रू मिला था। और ये जब मुझे इसके बारे में पता चला और मैं जब ऑडिशन के लिए गई तब मुझे लगा कि हम घर में रहकर भी आगे बढ़ सकते हैं, और परसोना ने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया है कि अपने घर से निकल के आज हम मुंबई तक आए हैं और अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट परसोना फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू हाउसवाइफ्स एंड लेडीज़, और सभी को मैं थैंक बोलना चाहूँगी और सबका ये सबको ये एनहेंस करना चाहूँगी कि ऐसा कोई मौका मिलता है तो हमको वो अचीव करना चाहिए, हमको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं रेखा सिंह राजपूत फ्रॉम जबलपुर। मुझे परसोना के बारे में हमारी एक फ्रेंड ने बताया था। थैंक यू। मानी, आई एम फ्रॉम पुणे एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर परसोना। आई थिंक आई रिप्रेजेंट व्हाट द आइडियल, ऑल ऑफ अस इन फैक्ट हियर रिप्रेजेंट व्हाट द आइडियल मिसेस इंडिया आर, वेयर बॉडी शेप, साइज, एज रियली डजंट मैटर, व्हाट्स विदिन यू मैटर्स। एंड परसोना हैज गिवन अस दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू जस्ट बी हु वी आर हियर, सो थैंक्स अ लॉट फॉर कवरिंग दिस। I'm Madhu and I reciprocate with what she says. नमस्कार, मी डॉक्टर रुपाली विनय भोसले, मी पुण्यावरून आली आहे आणि मी परसोनाला खूप खूप धन्यवाद देऊ इच्छिते, कारण आमच्यासारख्या सगळ्या महिलांना आपल्या कामातून इतका वेळ काढून इथे येण्याची त्यांनी संधी दिली। प्रियांका, रुपाली, करण सर, पूजा दीदी, ह्या सगळ्यांचे खूप खूप आभार आहेत, कारण आम्हाला आमचं म्हणजे मी डॉक्टर आहे, होमिओपॅथी डॉक्टर, पण आपल्या रोजच्या कामामधून इकडे यायचं ह्याची संधी मिळाली यांच्याकडून, याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप धन्यवाद मानते। ओके, सो हॅलो एवरीवन, गुड इव्हनिंग, माय नेम इज मनीषा बिष्ट अँड आय एम फ्रॉम पुणे। आय केम टू नो अबाउट दिस इव्हेंट थ्रू वन ऑफ माय फ्रेंड अँड आय एम व्हेरी एक्साइटेड अँड आय एम रिअली थँकफुल टू प्रियंका अँड ऑल द टीम मेंबर्स for giving me this opportunity, and I'm ready to take this opportunity as a new challenge, new learnings. Thank you. So hello everyone, I'm Rupali Saikedkar from Dhruv Foundation. I'm an army ambassador who teach self-defense fights to women. I've taught fights to 15,000 women. This is a platform which is really not for the beautiful ladies but the talented ladies. And the platform is really designed in a way that koi naati choti, it's not about the body shapes and the beauties but the talent because of which they are going to win this Mrs. title. So basically it's more on talent and that's the best part of this platform. Thank you. Hello everyone, I am Shivani Nambi from Jabalpur. परसोना का एक्चुअली में मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता चला था, और परसोना में आपका ये कि इसमें कोई भी एज लिमिटेशन नहीं है, कोई भी एज के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ धनश्री भगत एंड आई एम फ्रॉम नागपुर सिटी। आई वाज विनर ऑफ लास्ट शो, सो देयर करण सर हैज सीन मी my performing on the stage, so he thought why not she can be a participant of Persona Mrs. India, and he approached me, so I am here today. I'm Mrs. Tamanna Ashish Khatri, I'm from Nagpur and I came to know about this Persona event through my friend Nilima Kapuria, and I'm super duper excited for the grooming session. I'm going to learn new things from here and looking forward for finale. Thank you. A very good evening to everyone. My name is Shraddha Borkar Vankhede. I am from Orange City, Nagpur. And the last former Mrs. India entertainment, she told me about this Persona Mrs. India. And it's a really good platform for all of us. Thank you so much. Hi, I'm Palash Datta. I'm an actor and I've been in the industry for almost 27 years.
Well, I'm 49 years and Karan is one of my very closest, I would say, I don't like to use the term brother, but I think he's family for me. And family includes everything, brother, mentor, and I've been knowing him and auntie closely for almost... More than 10 years. 10, 12, 13 years. Yeah. And I've been closely associated with Mrs. World, Sheikh, India for the past 3-4 years. Or actually, acting coach or mentor होने से ज़्यादा actually मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिल रहा है इस platform से. Because क्या होता है कि acting और learning एक ऐसा medium है जो never ending है. आप जितना सीखो उतना कम है. तो मैं तो अपने आप को life long student मानता हूँ. और ये मानता हूँ कि मैं उनसे भी कुछ सीखता हूँ. Because ये सारी जो ladies है ये खुद ही इतनी सुलझी हुई है, इतने wisdom है उनमें. There is so much of wisdom in them because they are all housewives. Some people are working professionals. So they are absolutely, you know, people who come from different walks of life and they have so much to offer. तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने मिलता है पिछले 2-3-4 सालों से जो मैं इनका वर्कशॉप ले रहा हूँ. मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है उनसे. और एक अच्छा एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, मॉड्यूल्स कुछ करते हैं, फन एक्सरसाइजेस करते हैं. सो आई एम लुकिंग रियली फॉरवर्ड टू डूइंग इट टुमारो एंड कंडक्टिंग विद देम एंड होप आई गेट सम न्यू जेम्स आउट ऑफ दीज लेडीज एंड आई एम श्योर आई गेट सम गुड टैलेंटेड people as well.